यूएसए स्टडी वीजा की बात करें तो आज समझने की कोशिश करेंगे किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, आखिर इंटरव्यू को लेकर स्टूडेंट क्यों इतने घबराए रहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए, चाहे कि आपकी प्रोफाइल को लेकर ही सवाल किए जाते हैं, फिर भी जो स्टूडेंट अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते आखिर क्या गलतियां रह जाती हैं ताकि जिसकी वजह से उनको रिफ्यूजल फेस करनी पड़ती है, आप पूरी तैयारी से जाएं, इसीलिए हम ये वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए हैं। इन बातों को समझते हुए ही आप आगे बढ़ें और पूरी तैयारी रखें, ट्रेंड्स को भी समझते हुए ही आपको आज हम जो है खास गाइडेंस इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये खास इंफॉर्मेशन, ये पूरी यूएसए स्टडी वीजा को लेकर ये राइट गाइडेंस आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, जरूर बताइए पहले तो आज का अब का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह के वीजा हम रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, पॉजिटिव हैं या फिर कुछ रिफ्यूजल्स भी देखने को मिल रही हैं, और इंटरव्यू को लेकर तो अक्सर स्टूडेंट्स के सवाल रहते ही हैं, आपने पहले भी स्टूडेंट्स को गाइड किया है इन वीडियोस के जरिए, तो आज आप किन खास खास बातों पर फोकस करते हुए स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगी? हरजोत, यूएस जो है वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंट्री है जी, स्टेम कोर्सेज मेरी वीडियोस देख देख के बच्चे बहुत सीख गए हैं, मेरे को आके बहुत कुछ पूछते हैं। स्टेम कोर्सेज साइंस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ के लिए बहुत पॉपुलर है, और पिछले शायद कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी कि 74% स्टूडेंट जो है वो आईटी को लेते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है, और टेक्नोलॉजी में जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो कि आपको 36 मंथ्स का मिलता है, मीन्स 3 इयर्स का मिलता है, तो इसमें जो है बच्चे को सेटलमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं स्टूडेंट को। वैसे भी यूएस में जो बच्चा जा रहा है और अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से मन लगा के काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको सेटलमेंट की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ऑल दो इट टेक सम टाइम, लेकिन अगर कोर्स आपका राइट चूज़ किया हुआ है और आपने जो है कॉन्फिडेंस है आप में, तो वो बच्चा ज़िंदगी में कभी यूएस में मार नहीं खा सकता, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ के लिए तो नंबर वन कंट्री है, और सारे चाहे वो गूगल का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे फेसबुक का हो, सारी ही जो मेन ऑफिसेज हैं जो जहाँ से जन्म लिया इन चीज़ों ने, वो सारा यूएसए ही हेडक्वार्टर है, तो इनको जो मैन पावर बहुत चाहिए, तो वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जब ये पढ़ के निकलते हैं और ये टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं तो ये इमीडिएट एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। आजकल टाइम एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम है ना, बिजनेस एनालिटिक का टाइम है, तो ये बच्चे सारे चाहे बिजनेस वाले भी हों, बिजनेस एनालिटिक करते हैं तो वो भी स्टेम के अंडर चले जाते हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप जो बात कर रहे थे इंटरव्यू की जी, कोई बच्चा जिसके आईएलटीएस बैंड इक्वलेंट टू 5.5 या 6 हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, वो बच्चा इंटरव्यू में कभी मार खा ही नहीं सकता जी, क्योंकि लास्ट प्रिपरेशन मैं खुद कराती हूँ, अपने सामने कराती हूँ, और हमारे जो फैकल्टी हैं उनको ऑलमोस्ट 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, तो वीज़ा इंटरव्यू में बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता, और उनमें हम इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं कि उसका 101% जब बच्चा वहाँ यूएस एम्बेसी पहुँचता तो वीज़ा लेके ही आता है। खाली बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ा उसका जो है यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, स्कॉलरशिप बच्चे को अगर अच्छी लगी है तो बच्चे के खर्चे आधे हो जाते हैं, और एम्बेसी भी देख रही है कि बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है, इसीलिए I-20 में स्कॉलरशिप लगी है, वहाँ पे ऑफ़र लेटर जब अनकंडीशनल होती है तो वो I-20 आती है, तो वो जो I-20 पे बच्चा जब जाता है इंटरव्यू देता है तो एम्बेसी को पता है ये बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है, इसको ये स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और इसको ये स्पेशलाइज्ड कोर्स में जा रहा है, ऐसे कोर्सेज लो जो बाकी बच्चे कम लेते हों, तो वीज़ा ऑफिसर भी इंजॉय करता उस इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन पूछी जाती है जी। ये कोर्स क्यों लिया उसने, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, और ये कोर्स करने के बाद फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा,
ये चार क्वेश्चन बच्चे को पता होने चाहिए। अगर बच्चा अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा है, वो ये यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा है, ये कंट्री में क्यों जा रहा है, ये कोर्स करके क्या करेगा, अगर वो बता नहीं सकता तो फिर तो वो कहीं पे भी नहीं जा सकता बच्चा। और मेरे पास जो बच्चा आता है उसमें हम इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि उसको कभी इंटरव्यू की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरव्यू लेने वाला भी हमारे जैसे ही इंसान है, वो खाली वो क्वेश्चन पूछ के अगर उसको लगता है कॉन्फिडेंस है तो वो शायद आपको सेकंड क्वेश्चन ही ना पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको वीज़ा दे दे। और यूएस के प्लस पॉइंट भी ये है कि कोई फीस पहले नहीं जाती जी। खाली सर्विस फीस पे करो, हाई कमीशन की फीस पे करो, आप वीज़ा लो और सेम डे डिसीजन है। कोई ये नहीं कि डेढ़ महीना दो महीने वीज़ा डिसीजन में लगने हैं। कोई एम्बेसी सेम डे वीज़ा नहीं दे रही, खाली एक यूएस एम्बेसी है जो आपको सेम डे वीज़ा देती है। खाली स्टूडेंट का एक क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू स्लॉट, तो इंटरव्यू स्लॉट भी ओपन होते हैं हर स्टूडेंट के इनटेक के हिसाब से। वो खाली अलर्ट रहना पड़ता है उस स्लॉट के हिसाब से। अगर आप अलर्ट हो तो आप यूएस का स्टडी वीज़ा ज़रूर लोगे। जी बिल्कुल, तो ढेर सारे फायदे हैं यूएसए स्टडी वीज़ा हासिल करने के बाद, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी सही ढंग से करेंगे तभी आप जो है बिना रुकावट अपना पूरा ये जो जर्नी है आपकी, इसको आप सही तरह से क्लियर करते हुए अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इंटरव्यू को लेकर भी मैम ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है गाइड की हैं, आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, सही कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कीजिए या फिर नेविगेटर्स ओवरसीज के चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट जरूर साथ लेकर आइए ताकि असेसमेंट के बाद आपको राइट ऑप्शन जो है गाइड की जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने डिटेल में कई बातें जो है स्टूडेंट्स को आज गाइड की हैं इस वीडियो के जरिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।